हाँ जी चलिए स्टार्ट करें। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। चलो एक सेकेंड रुकिए। हाँ जी देखिए बच्चे, देखो आज हम स्टार्ट करेंगे एलिप्स। अच्छा सबने, अच्छा पैराबोला की रिवीजन क्लास में क्यों नहीं आए थे आप लोग? पैराबोला की हमने रिवीजन सुबह ली क्लास थी में आए थे? मेरा नेटवर्क इशू था। क्या बोल रहा मैम ने सुबह ली थी क्लास, सुबह जो आया था लिंक। वाली क्लास तभी आप तो यस थे ना। मैम। हाँ जी काफी, आप क्या बता रहे हो, क्या हुआ था? मैम हमें लगा कि क्लास दिन में होगी तो हम स्कूल से छुट्टी करके बैठे हुए थे, लेकिन हमने शाम को हमने फिर नोटिफिकेशंस देखे ही नहीं। अरे तो दिन में की थी अपने क्लास? कोई बात नहीं, भले एक टाइम पे कर लो, लेकिन दिन में की थी ना क्लास? नो मैम। अरे बच्चे देखो, रिवीजन क्लास आपके लिए ही लगाई जाती है, सो मेक श्योर कि आप जो है क्लास में आइए। देखो एक बार हमने वन गो में बता दिया सब कुछ, राइट? अब वो ना आपके पास पूरे तरीके से उसके नोट्स देखे हैं? किस किसने नोट्स देखे हैं? बच्चे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं जो है शीट में हैंड टू हैंड ही अपडेट कर देती हूँ, सारी की सारी चीजें उसी शीट में 2 मिनट में ही अपडेट कर देती हूँ। जैसे ही क्लास खत्म होती है ना वैसे ही अपडेट हो जाते हैं। रुक जाओ दिखाती हूँ अभी, ये देखो फोन नहीं जो, हाँ आपका तो मैसेज आया था बच्चे, ये देखो रिवीजन ऑफ पैराबोला, ये क्या है? स्क्रीन शेयर हो नहीं रही, हो तो रही है। देखो बच्चे ये थी, ये रहे आपके नोट्स, ठीक है? ये पहले वालों के क्या है, पहले वालों के लिंक है। अच्छा चलो मैं नोट्स को उठा के ना यहाँ लिख देती हूँ, दीज आर योर नोट्स, ठीक है? ये नोट्स हैं और यहाँ पर उसकी क्या डाल दूंगी, वीडियो डाल दूंगी, ओके? यस मैम। बच्चे रिवीजन हर चीज का होगा और मैंने आपको पहले भी बोला था, वी आर प्लानिंग फॉर किस चीज के लिए, ताकि आपके 11th के मार्क्स भी अच्छे आए, तो उसके लिए हम आपको हर चैप्टर की भी रिवीजन देंगे। नहीं भी अगर लगती है तो आई विल टेक द एक्स्ट्रा क्लास, सो डोंट वरी अबाउट दैट, बट कम से कम जो अभी करवा रहे हैं उसकी में तो आइए। चलिए आज एलिप्स स्टार्ट करते हैं। बच्चे जो भी है प्लीज अपना पैराबोला का टेस्ट दे देना, जिस जिसने भी दिया था उसके मैं आज मार्क्स देख लूंगी, और हम कल के सेशन में, मतलब जब भी हमारा सेशन होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। जिसने नहीं दिया था मुझे पिंग करो। अच्छा आपको पिंग भी करने की जरूरत नहीं है, देखो वो जो आपका शीट है ना, जो अभी मैंने शीट दिखाई थी उसी में क्या पढ़ा है बच्चे, टेस्ट पेपर एंड आंसर्स, सबसे ऊपर है टेस्ट पेपर एंड आंसर्स, उसमें आपको ऑटोमेटिकली आपका पेपर दिख जाएगा और उसके आंसर भी मिल जाएंगे, काफी ठीक है? यस मैम। उसी में मिल जाएगा। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज एन एलिप्स। एलिप्स इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे कि उसका एक फिक्स्ड लाइन और एक फिक्स्ड पॉइंट से जो रेशियो है, मतलब जो डिस्टेंस का रेशियो है वो क्या हो, वो ई हो, और वो जो ई है वो 1 से छोटा है। समझ में आई इतनी बात? मतलब पी ऐसे मूव करेगा कि डायरेक्ट्रिक्स और फोकस जो होगा उससे जो डिस्टेंस है उसका जब हम रेशियो लेंगे वो ई के इक्वल होगा, और इन केस ऑफ द एलिप्स ई क्या होता है, 1 से छोटा होता है। सबको समझ में आ गया? और पैराबोला के केस में क्या था, पैराबोला? ओके बच्चे देखो हमारा जो सर्कल होता है ना, सर्कल को अगर आप ऐसे पकड़ के खींच दो, लेट से कि जो आपका रबड़ बैंड होता है, ठीक है, रबर बैंड डालते हो ना आप बालों में, जब हम उसको ऐसे खींच देते हैं तो वो ऐसे अंडाकार की शेप बन जाती है ना, वही होता है आपका एलिप्स। सो हम ये भी कह सकते हैं कि एलिप्स क्या है, इट्स अ डिस्टॉर्टेड सर्कल। बच्चे देखो जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो कैसे पाथ में मूव करते हैं, इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं, सर्कुलर पाथ में नहीं करते, किसमें करते हैं, इलिप्टिकल पाथ में करते हैं, राइट? और जो हमारी अर्थ भी है वो क्या है, वो सर्कल नहीं है, वो स्फेरिकल है, अंडाकार है, मतलब आप बोल सकते हो थोड़ी बहुत इलिप्टिकल शेप की है। समझ में आया? यस मैम। ओके तो बच्चे एलिप्स देखो होता क्या है, बच्चे दिस इज द डिस्टॉर्टेड सर्कल। सर्कल की क्या खासियत थी कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो सेम होगा, यही पढ़ा था ना हमने? यस मैम। जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होता है तो ये आपको क्या देता है बच्चे, सर्कल की इक्वेशन दे देता है। अब हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं और इनको 1 बना लेते हैं, यही करते होते हैं ना, ठीक है? देखो बच्चे यहां पर क्या होगा, ये जो है
इसको, अच्छा चलो वैसे एक पॉइंट मान लेते हैं, दिस इज योर डायरेक्ट्रिक्स, दिस लाइन इज योर डायरेक्ट्रिक्स एंड दिस इज योर फिक्स्ड पॉइंट एस, ठीक है, और ये है आपका पॉइंट पी. सो मुझे इतना पता है पी एस अपॉन पी एम मस्ट बी इक्वल्स टू वन, राइट? बताओ इतनी बार समझ में आ गई? सो बच्चे इसका जो लोकस होता है वो होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन, ठीक है. अब ये देखो ए और बी क्या है, चलो अब देखते हैं, थोड़ा अच्छे से देखेंगे इसको कैसे करना है. मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर दो डायरेक्ट्रिक्स ले ली, वन इज योर माइनस ए बाय ई एंड वन इज योर ए बाय ई, ठीक है. जो आपका फोकस है उसका कोऑर्डिनेट होता है माइनस ए कॉमा जीरो एंड ए कॉमा जीरो. कितने फोकस होते हैं बच्चे? दो फोकस होते हैं. इतनी बार समझ में आती है? यस मैम. फोकस कितने होंगे? होंगे. और बच्चे एक बात याद रखना, फोकस जो होगा वो हमेशा एक्सिस पर लाई करेगा, या मैं बोलूं मेजर एक्सिस पर लाई करेगा. अब ये कैसे पता चलेगा कि मेजर एक्सिस क्या है और माइनर एक्सिस क्या है एंड दिस इज योर माइनर एक्सिस? बच्चे मेजर एक्सिस का मतलब क्या होता है, लेट से द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 35 इज इक्वल्स टू वन. जिसका कोफिशियंट बड़ा होगा, मतलब जो डिनोमिनेटर में बड़ा लिखा होगा वही क्या होगी, एक्सिस होगी. इस केस में एक्सिस कौन सी है बच्चे? एक्स एक्सिस है, राइट? सो फोकस कहाँ पर लाई करेगा? एक्स एक्सिस पर लाई करेगा. इतनी बार सबको समझ में आती है? तो आपकी वाई एक्सिस क्या हो जाएगी बच्चे? माइनर एक्सिस हो जाएगी, ठीक है. ये लगा लो, ये जो होगा ये होगा माइनस ए बाय ई कॉमा जीरो. क्यों? क्योंकि ई जो है वो वन लेस देन वन है, तो बच्चे ये ए से तो बड़ा ही होगा. मैंने मान लिया ये है पॉइंट, कोई भी पॉइंट है, ठीक है. सो यानी इन दोनों का जो रेशियो होगा, दिस इज योर पी एंड दिस इज योर एम. सो पी एम अपॉन पी एस मस्ट बी इक्वल्स टू योर ई, यही होना चाहिए ना. तो पी के कोऑर्डिनेट्स बच्चे मैं पक्का बोल रही हूँ आएगा माइनस ए, माइनस ए कॉमा जीरो, और ये आ जाएगा ए कॉमा जीरो. सबके सब देख लो, बोलो समझ में आया? यस मैम. बच्चे और ये पॉइंट क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे जीरो कॉमा बी एंड जीरो कॉमा माइनस बी. क्लियर है जी सबको? यस मैम. ठीक है. सो yes, अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा अच्छे से करके लिखते हैं. देखिए जी, ये है आपका एलिप्स जो है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन. यहाँ पर ए है ग्रेटर देन बी, तो आपकी मेजर एक्सिस कौन सी हो गई? एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस क्या है आपकी? मेजर एक्सिस. सो फोकस और आपका जो इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स. वर्टेक्स किसको बोलते हैं? ये वाले को, जहां पर क्या है आपकी मेजर एक्सिस है, राइट? सो दीज आर योर वर्टेक्स. वर्टेक्स का मतलब क्या होगा? जब वाई क्या होगा? जीरो होगा. सो ये हो गया माइनस ए बाई ई एंड दिस इज योर जीरो कॉमा जीरो, दिस इज योर माइनस ए कॉमा जीरो एंड दिस इज योर ए कॉमा जीरो. बताओ समझ में आ गया सबको? अब देखो बच्चे इसेंट्रिसिटी क्या होती है. इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर. कोई बता सकता है कैसे आया होगा? अरे बच्चे देखो, ये कोऑर्डिनेट है आपका माइनस ए बाय जीरो, राइट? इतनी बार सबको समझ में आती है? कोई भी पॉइंट ले लो पी. सो पी एम एंड एस दोनों क्या होने चाहिए? दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए बच्चे? दोनों का रेशियो होना चाहिए ई के इक्वल होना चाहिए. और बच्चे पी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो यहां पर भी लाई करेंगे, तो मतलब एक्स वाई की जगह हम क्या, हमारे पास क्या आ जाएगा? ए बी और ई में रिलेशन आ जाएगा. सो वहां से हमें रिलेशन मिल गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर. समझ में आया सबको? ठीक है. सो यहाँ से ई की वैल्यू आ गई, इसेंट्रिसिटी होती है अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर. ठीक है, स्क्वायर कर लेना बच्चे इसको, दिस इज योर स्क्वायर. ठीक है. सो दिस इज द इसेंट्रिसिटी. अब देखो इसको हम यूज कैसे करेंगे. देखो बच्चे, जो आपका फोकस है ना, फोकस होता है आपका ए और इसको हम सी भी लिखते हैं. फोकस के जो कोऑर्डिनेट है उसको कभी कभार सी से भी डिनोट करते हैं. अगर फोकस लिखा है, सी लिखा है, इसका मतलब वो ए दिया हुआ है. अब वो कौन सी एक्सिस पर लाई करता है वो आपको देखना है. ठीक है. अब यहां पर देखो बच्चे, जो सेंटर है वो होगा जीरो कॉमा जीरो. सेंटर का मतलब क्या हो गया? जहां पर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस क्या करती हैं? मिलती हैं. सबको समझ में आया? वर्टिसेस क्या हो गए? माइनस ए कॉमा जीरो एंड प्लस
ए कॉमा जीरो, एंड आपके फोकस क्या क्या हो गए बच्चे, माइनस ए कॉमा जीरो एंड ए कॉमा जीरो. कितने फोकाई हैं? दो फोकाई हैं. ठीक है. अब देखो बच्चे डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, प्लस माइनस, ये कौन सी लाइन है, माइनस ए बाई, ये कौन सी लाइन है, ए बाई. कोई मुझे बता सकता है डायरेक्ट्रिक्स कैसे फाइंड की होगी? बच्चे जब मुझे फोकस के पॉइंट पता है और ये ए टू पता है, ए कॉमा जीरो है, तो यहाँ पर एक पॉइंट मान लो तो रेशो करके लिखोगे तो यही आएगी ना. और जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो एक्सिस के क्या होगी बच्चे, परपेंडिकुलर होगी, राइट. और मेजर एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है, और मैं उसकी इक्वेशन बोल सकती हूँ वाई इज इक्वल टू जीरो. बच्चे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का मतलब क्या होता है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का मतलब होता है ए वन और ए टू का डिस्टेंस. अगर ये ए है और ये माइनस ए कॉमा जीरो है तो लेंथ कितनी आ गई बच्चे, टू ए आ गई. समझ में आया? सिमिलरली ये बताइए, ये है जीरो कॉमा बी, ये है जीरो कॉमा माइनस बी. सो बी वन बी टू क्या हो गया, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, दैट इज योर टू बी. सबको समझ में आती है इतनी बात? यस मैम. ओके गुड. अब करते हैं बच्चे एल आर. अगेन एल आर का मतलब क्या होगा, जो कि फोकस से पास हो और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो. चलो देखते हैं, अगर ये माइनस ए कॉमा जीरो है तो क्या सबको इतनी बात समझ में आती है, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे P1 के माइनस ए कॉमा समथिंग एंड ए कॉमा समथिंग, देख लो. यस मैम. और यहाँ माइनस ए कॉमा समथिंग. और P2 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ए कोऑर्डिनेट्स भी होंगे ए कॉमा समथिंग, राइट. अब बच्चे अगर मुझे P1 के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो मैं यहाँ पर ए पुट कर दूं एक्स की जगह, सो दैट विल बी योर ई स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन, राइट. सो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू योर वन माइनस ई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर. बताओ इतनी बार समझ में आ गई? यस मैम. सॉल्व भी तो किया है. तो बच्चे ये कितना होता था, सॉरी कहाँ गया, हाँ वन माइनस ई स्क्वायर क्या होता था, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होता था ना, ठीक है. तो y कितना आ जाएगा बच्चे, y आपका आ जाएगा b स्क्वायर बाय a. क्या आ जाएगा, b स्क्वायर बाय a. सो दिस विल बी योर b स्क्वायर बाय a एंड दिस विल बी योर माइनस b स्क्वायर बाय a. ये कितना आ जाएगा, b स्क्वायर बाय a एंड दिस इज योर माइनस b स्क्वायर बाय a. तो बच्चे लेंथ ऑफ एल आर कितना आ गया, 2b स्क्वायर बाय a. समझ में आ गया जी सबको? यस मैम. ओके गुड. सो एल आर क्या है इस केस में, बी स्क्वायर टू बी स्क्वायर बाई ए है. फोकल डिस्टेंस क्या होता है बच्चे, फोकल डिस्टेंस का मतलब होता है किसी भी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस, ठीक है, किसी भी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस. अब आप बोलोगे मैम ये तो पी एस वन है और ये पी एस टू है, इसको कैसे करेंगे, कोई बता सकता है कैसे करेंगे? ओके चलो देखो बच्चे, सबसे पहले तो हम पी एस वन फाइंड करते हैं, पी एस वन इंटू ई इंटू पी एम वन, राइट. ऐसे लिख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि पीएस अपॉन पीएम क्या होता है, पीएस अपॉन पीएम क्या होता है आपका, ई होता है, राइट. सो पीएस इंटू पीएम, ये ई इंटू पीएम आ जाएगा. पीएम क्या है बच्चे, डायरेक्टली आपका वो देख लो, डिस्टेंस देख लो, राइट. तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ए प्लस एक्स, ए बाय ई प्लस एक्स, राइट. और दूसरा डिस्टेंस क्या होगा, ए बाय ई माइनस एक्स. बताओ इतनी बार समझ में आती है? तो ये क्या हो गए, फोकल डिस्टेंसेस हो गए. सो एक फोकस से डिस्टेंस है ए ए इनटू ए प्लस एक्स और एक से है ए माइनस एक्स. क्लियर है जी सबको? ठीक है. अब देखो बच्चे अल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ एलिप्स. यहां पर बोल रहा है कि अभी तो हमने ये देखा था कि ये डायरेक्ट्रिक्स वाला देखा था. क्यों देखा था हमने ऐसा बच्चे, क्योंकि जब हमने कॉनिक पढ़ना स्टार्ट किया था तब हमने दो चीजें डिस्क्राइब की थी, एक हमारा फिक्स्ड पॉइंट एंड एक हमारी फिक्स्ड लाइन, राइट. बट अब देखो अगर हम बोलें कि एक पॉइंट है जिसका दो फोकस, मतलब दो फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है उनका सम टू ए रहता है, उनका सम क्या रहता है, कॉन्स्टेंट होता है, वो भी आपको क्या देता है बच्चे, इलिप्स देता है, वो भी आपको क्या दे देता है, इलिप्स दे देता है. समझ में आया? ओके यहाँ पे रेड एंड ब्लू लिखा नहीं हुआ, मैं बता देती हूँ. दिस इज योर ब्लू लाइन, राइट. इस केस में होगी दिस इज योर ब्लू लाइन, ठीक है, ये वाला हटा दो, एंड दिस इज योर रेड लाइन एंड दिस इज योर पॉइंट पी डैश, ठीक है.
तो बच्चे बोल रहा है कि ब्लू लाइन कितनी है, 5 है, रेड लाइन कितनी है, 5 है, और टोटल कितना है, 10 है. सो यानी PS1 प्लस PS2 हमेशा क्या होगा, 2A हो गया. अगर P अब यहां पर है तब भी PS1 प्लस PS2 कितना ही होगा, 10 होगा. आपको दिख ही रहा होगा PS1 बड़ी है एंड PS2 छोटी है. समझ में आ गया? Yes, ma'am. So, alternate definition क्या है? अगर क्या है, मतलब एक पॉइंट है जिसका टू फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है उनका सम एक कांस्टेंट है, वो भी क्या होगा, आपका एलिप्स हो जाएगा. अब देख लो, नोट कर लो, अगर ए ग्रेटर देन है बी से तो ए वाली क्या होगी, सेम ए क्या हो जाएगी, सेमी मेजर एक्सिस. बच्चे मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी थी, 2A थी ना, तो सेमी कितनी हो गई, ए हो गई. और माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी थी, 2B थी, तो सेमी कितनी हो गई, बी हो गई. हाफ ही तो करना है उसका. यस मैम. अब देखते हैं बच्चे अदर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स. सिर्फ दो ही हैं, ठीक है. एक जब क्या है ए स्क्वायर बड़ा है, दूसरा जब क्या है बी स्क्वायर बड़ा है. बच्चे अगर यहाँ पर बी इज ग्रेटर देन ए है तो ऑटोमेटिकली बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर हो गया, बोलो. ठीक है. यस मैम. अब बस फर्क क्या पड़ जाएगा, कोई बता सकता है, कि जो फोकस होगा वो यहां पर लाई करेगा. सो ये कितना हो जाएगा बच्चे, 0, -BE एंड दिस विल बी योर 0, BE. ठीक है. और इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर इनटू, बच्चे ए और बी शिफ्ट ही तो हुए हैं, मतलब ए और बी की आपने पोजीशन बदल दी ना, बस वैसे लिख दिया हमने. अदरवाइज बच्चे देखो, ये ना याद करना थोड़ा सा मतलब ट्रिकी सा होता है, इसकी जगह ना ऐसे लिखा करो हमेशा, जो नीचे में बड़ा हो. मतलब लेट्स से कि दिस इज योर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. तो इसका मतलब क्या है, वाई स्क्वायर अपॉन 36 है एंड एक्स स्क्वायर अपॉन 34, 25, जो मानना आप मान सकते हो. समझ में आया? तो जो चीज बड़ी हो गई उसी को ही ए मान लो. अगर वो वाई के नीचे बड़ी है तो वाई एक्सिस क्या हो जाएगी, मेजर एक्सिस हो जाएगी. अगर वो एक्स के नीचे बड़ी है तो इसका मतलब मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी, आपकी एक्स एक्सिस हो जाएगी. तो आपको ना ये फॉर्मूला बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है. इस केस में फॉर्मूला आपका क्या ही रहेगा, वही रहेगा, e इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 - b² / a². समझ में आ गया फंडा? यस मैम. क्लियर है ना? तो बच्चे या तो आप ऐसे याद रख सकते हो या ऐसे याद रख सकते हो. ऐसे रख लो, ये ज्यादा इजी होता है. जो भी मतलब अगर y के नीचे बड़ा है तो मतलब y क्या है, मेजर एक्सिस है. ठीक है. अब देखो बच्चे, इसके केस में बताओ सेम ही तो चीजें होंगी ना, बिल्कुल सेम होंगी, बस क्या फर्क होगा, क्या फर्क होगा, कोऑर्डिनेट्स. ठीक है. बताओ सेंटर क्या होगा, 0, 0 ही होगा. वर्टिसेस क्या आ जाएंगे, 0, b एंड 0, -b. क्यों? क्योंकि वर्टिसेस कहां लाइक करते हैं, मेजर एक्सिस पर. सो दिस इज योर मेजर एक्सिस. लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी इस केस में, 2b. वेरी गुड. और माइनर एक्सिस, 2a. फोकाई क्या हो जाएंगे, 0, -BE या +BE. वेरी गुड. सबको समझ में आ रहा है? यस मैम. तीन चीजें क्लियर हैं. अब देखो बच्चे, फोकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, +-BE हो जाएगा, राइट. मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी, 2b हो जाएगी. ठीक है. एंड माइनर एक्सिस क्या हो जाएगी, 2a हो जाएगी. दिस विल बी योर 2a. ठीक है, समझ में आ गया. मेजर एक्सिस तो वाई एक्सिस थी ना. अच्छा, वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इज इक्वल्स टू 0 होती है ना. ओके मैम. ओके, उसने इक्वेशन लिख दी डायरेक्टली. ठीक है. और ये क्या है, आपकी एक्स एक्सिस है. समझ में आ गया? यस मैम. क्लियर है सबको? ओके चलो. अब देखो बच्चे, लेंथ ऑफ एलआर कितनी हो जाएगी. अरे सेम ही तो फंडा है, सेम ही तो क्या है, फंडा है. कितनी हो जाएगी, जल्दी बताओ बच्चे. वहां पर क्या थी, 2b² / a² थी ना, है ना. अब क्या हो जाएगी, 2a² / b² हो जाएगी, 2a² / b हो जाएगी. यही होगा ना? यस मैम. उल्टा ही तो हुआ है. सो क्या हो गया, 2a² / b इज योर LR. तो बच्चे इसीलिए बोल रही हूँ, हमेशा ना जो भी हो, जैसे ये वाली फॉर्म हो, सो इसको ऐसे ही लिखना, y² / a² + x² / b² = 0. इस केस में क्या है, a इज ग्रेटर देन b है, सेम ही चीज है. सो LR कितनी आ जाएगी, LR विल बी ओ 2b² / a. क्यों? क्योंकि जो छोटे वाला होता है ना उसका स्क्वायर ऊपर लिखते हैं और जो मेजर वाला होता है उसको नीचे लिखते हैं. ठीक है. समझ में आ गया? यस मैम.
याद करने में इजी रहेगा। ठीक है जी, अब बताओ कोई प्रॉब्लम। और बच्चे फोकल डिस्टेंसेस कितने आ गए, सेम वहां पर क्या आया था, पीएस वन कितना आया था, ए माइनस ई एक्स, एंड पीएस टू कितना आया था, ए प्लस ई एक्स आया था, राइट। यहां पर कितना आ जाएगा, बी माइनस ई वाई एंड बी प्लस ई वाई। सबको समझ में आती है इतनी बात? यस मैम। ओके गुड, सो इस केस में क्या हो जाएगा, पीएस वन प्लस पीएस टू किसके इक्वल हो जाएगा, टू बी के इक्वल हो जाएगा। सेमी मेजर एक्सिस कितनी हो जाएगी, बी, एंड सेमी माइनर एक्सिस कितनी हो जाएगी, ए। फाइन, चलिए जी अब करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, हाँ जी बताइए बच्चे कैसे करेंगे इसको, सॉल्व करके देखो। देखो सबसे पहले क्या करना है, जो भी है हमारा, जो भी गिवन इक्वेशन है उसको किस फॉर्म में चेंज कर लेना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में चेंज कर लेना है। सबको इतनी बात समझ में आती है? यस मैम। तो मतलब कौन सी फॉर्म में चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन, राइट। मैंने पोल्स लॉन्च किए हैं, सबके सब उसी में ही आंसर करना। तो बच्चे ये क्या हो गया, दिस विल बी योर एक्स स्क्वायर अपॉन नाइन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन फाइव इज इक्वल्स टू वन। सबको समझ में आती है इतनी बात? यस मैम। ए इज ग्रेटर देन बी दिख रहा है यहाँ पर, तो बच्चे लेंथ ऑफ एल आर कितनी आ गई, लेंथ ऑफ एल आर इज टू बी स्क्वायर बाय ए, तो कितना आ गया, टू इंटू, ये तो बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर कितना है, फाइव है, ए स्क्वायर कितना है, नाइन है, तो बच्चे ए कितना आ गया, थ्री आ गया। अब मुझे पता है कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम ए तो प्लस माइनस थ्री आ गया, आपने थ्री ही क्यों लिया, क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव होगी ना, सो दिस इज योर टेन बाय थ्री, सो द आंसर इज डी। किस किस का आंसर आ गया था, इसमें मैं आ गया था मेरा। गुड, अब ये सेकंड क्वेश्चन कीजिए खुद से, पोल्स में आंसर देना सबको। पहले तो ये देखो मेजर एक्सिस कौन सी है, माइनर एक्सिस कौन सी है, और फिर वहां से क्या कर दो, आंसर निकाल दो। बहुत इजी है बच्चे ये, देखो आपका ना कॉनिक में जो मेनली आते हैं क्वेश्चन बनते हैं, सर्कल से बनते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट बन जाते हैं, पैराबोला से बनते हैं, बाकी इलिप्स और हाइपरबोला से तो ना बहुत इजी इजी बनते हैं, ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पूछते हैं, ठीक है, और आपके एल आर वगैरह की लेंथ पूछते हैं, राइट। चलिए कीजिए, हाँ जी सबसे पहले तो मुझे ये बताइए ये कैसा पैराबोला है, सॉरी कैसा एलिप्स है, इसको मैं ऐसे लिख लूं मैम, वाई एक्सिस का। वेरी गुड, सो ये कैसे बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा ना, यस मैम, है ना, यस मैम। कहाँ पर लाई करेंगे, वाई एक्सिस पर, ठीक है, सो दिस विल बी योर जीरो कॉमा फाइव एंड दिस विल बी योर जीरो कॉमा माइनस फाइव। तो बच्चे आपकी डायरेक्ट्रिक्स कैसी होगी, ऐसी होगी ना, वाई इक्वल्स टू समथिंग होगी ना, y टू समथिंग होगी ना, है ना। तो बच्चे एक बात देखो, हमें पता है वर्टेक्स से उधर वाली साइड होती है, वर्टेक्स से क्या होती है, उधर वाली साइड होती है, तो ये भी आंसर नहीं आना चाहिए, ये भी आंसर नहीं आना चाहिए, ये भी आंसर नहीं आना चाहिए, ए आंसर रहेगा। ये तो कितना इजी था, अब एलिप्स के बीच में थोड़ी ना होगी, पीछे ही होगी, चलो अब देख भी लेते हैं कैसे होगी। बच्चे इस केस में आपकी क्या थी, y इज इक्वल्स टू बी बाय ए बी बाई ई एंड वाई इज इक्वल्स टू योर माइनस बी बाई ई, यही आएगी ना, या फिर इसको ना ए बाई ई ही लेके चलते हैं, दिस विल बी योर ए स्क्वायर ओनली, सो वाई इज इक्वल्स टू ए बाई ई एंड वाई इज इक्वल्स टू माइनस ए बाई ई, ठीक है। ए कितना है बच्चे इस केस में, फाइव, क्यों, क्योंकि मैं इसको कैसा कंसिडर कर रही हूँ, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, no, ma'am. ठीक है, तो बच्चे e कितना आ जाएगा, e आ जाएगा अंडर रूट वन माइनस सिक्सटीन बाय ट्वेंटी फाइव, सो दिस विल बी योर नाइन बाय ट्वेंटी फाइव अंडर रूट, सो दिस विल बी योर थ्री बाय फाइव। सो बच्चे क्या आ गया, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ट्वेंटी फाइव बाय थ्री इज योर इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, सो द आंसर इज ए। समझ में आया, यस मैम।
यस मैम। क्लियर है जी सबको? यस मैम। ठीक है, अब देखो बच्चे थर्ड क्वेश्चन, उसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं थी? थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चे जल्दी से। अंशिका बच्चे आप रिवीजन क्लास में आते हो? मैं वो क्लास नहीं ले पाई थी, मुझे टाइमिंग का कुछ ऑर्डर नहीं पता था बच्चे, लेकिन टाइमिंग तो हमने बार बार बोली थी और ग्रुप्स में भी गए थे मैसेजेस, थोड़ा ना आप लोग ध्यान रखिए। फोन पे नहीं थी। ओके, थोड़ा ना ध्यान रखिए बच्चे। देखो मैं आपको एक बात बता रही हूँ, हर चीज ना आपके लिए ही की जा रही है, अगर आप लोग रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो वो चीजें खत्म हो जाती हैं, ठीक है? ये हमारी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट्स है, राइट? तो आप अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बोलिए कि नहीं मैम ये चीज ऐसे नहीं हो सकती। अब जैसे फ्राइडे वाली क्लास है, इस बार मैं आपकी फ्राइडे को पक्का एक्स्ट्रा क्लास लूंगी। पूछो किस चीज की क्लास लूंगी, इस बार हम फ्राइडे को एक्स्ट्रा क्लास में क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि मुझे पता है आप कॉनिक सेक्शन पूरा भूल चुके होंगे और बहुत सारे बच्चों के एग्जाम भी हैं स्कूल में। अदरवाइज 11th का एक क्वेश्चन पेपर ले लेंगे और डिस्कस कर लेंगे कि कैसे करना है पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, कि 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर कैसे लिखना है, ठीक है? सो थोड़ा अटेंटिव होइए, मतलब ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर मतलब पेपर है ना तो एकदम जम के लगना है, अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो हम आपकी छुट्टियों में भी एक्स्ट्रा क्लास लगा देंगे। चलिए बताइए आंसर क्या होगा पोल्स में आंसर। हाँ जी मैम, 3 बजे के बाद क्लास कीजिएगा क्योंकि मैं 3 बजे तक तो घर आ पाती हूँ स्कूल से। हाँ हाँ श्योर 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 बच्चे, हमेशा 3 बजे के बाद ही रखी जाती हैं क्लासेस, कभी भी मैंने रखी ही नहीं है क्लास उससे पहले, ठीक है? देखो बच्चे, दिस इज योर वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इतनी बात सबको समझ में आती है? अब बताओ फोकल डिस्टेंसेस क्या होते हैं? कोई बताएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए? इस केस में PS1 प्लस PS2 कितना होना चाहिए? 2 × 5 होना चाहिए, 10 होना चाहिए ना, है ना? दिस विल बी योर 10। तो बच्चे यहाँ पे क्या हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, लेट से कोई भी PS1 या फिर PS1 लिख लेते हैं, वो क्या होगा? ए, अच्छा फॉर्मूला लिख दूं, ए प्लस क्या होता है ई इंटू वाई वन। दूसरा क्या होगा, PS2 कितना हो जाएगा? ए माइनस ई वाई वन, राइट? सो ए क्या हो गया 5 एंड ई कितना हो गया? ई फाइंड कीजिए बच्चे, ई विल बी योर 4/5, राइट? 5 − 4/5 / 1, सो सी इज द आंसर। बताओ ये तो बच्चे आपको देखना भी नहीं चाहिए था, क्यों? क्योंकि जो बड़ा होता है वही होता है ना ए, राइट? तो ए प्लस ई वाई वन या फिर ए माइनस ई वाई वन, ई कितना है हमारा 4/5 है, चाहो तो कैलकुलेट करके देख लो। सबको समझ में आ गई ये चीज? यस मैम। तो सी इज द आंसर। कंफ्यूजन हो रही है। हाँ जी बताइए क्या कंफ्यूजन हो रही है बच्चे? मैम मतलब कौन सा कहाँ पर फॉर्मूला लगाना है? ओके बच्चे देखो, मैंने इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए ना आपको एक, चलो ठीक है कंपैरिजन करके बता देते हैं, ठीक है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y square upon b square is equals to 1 and दूसरा है आपका y square upon a square plus x square upon b square is equals to 1। हर दोनों केस में a is greater than b है। संध्या बच्चे इतनी बार समझ में आती है? Yes ma'am। ठीक है, अब देखो बच्चे इस केस में PS1 क्या होगा? a, क्योंकि x क्या है आपकी major axis है, so a प्लस ई एक्स वन। पी एस टू क्या हो जाएगा? a माइनस ई एक्स वन। लेंथ ऑफ एल आर क्या हो जाएगी? दैट विल बी योर 2b² / a, ठीक है? वर्टिसेस क्या हो जाएंगे बच्चे? प्लस माइनस a कॉमा 0। फोकस क्या हो जाएगा बच्चे? प्लस माइनस a कॉमा 0। और e क्या हो जाएगा बच्चे? अंडर रूट 1 − b² / a² बताओ इतनी बार समझ में आ गई? यस मैम।
बच्चे इस केस में क्या हुआ है, सारे फॉर्मूला सेम है, बस वाई एक्सिस क्या है, अब मेजर एक्सिस है। सो पी एस वन क्या हो जाएगा, ए प्लस ई वाई वन। पी एस टू क्या हो जाएगा, ए माइनस ई वाई वन। बट जो चीज एक्स एक्सिस पे थी अब वो वाई एक्सिस पे चली गई ना, सो इस कारण वाई वन आ गया। लेंथ क्या हो जाएगी, अगेन 2b² / a, सेम ही फॉर्मूला है। वर्टिसेस क्या हो गए, वर्टिसेस क्या हो गए, 0, ± a। फोकाई क्या हो गए बच्चे, 0, ± a। और ई क्या है, सेम है, √1 - b² / a². अब बच्चे यहां पर बस एक ही चीज डिपेंड करती है, क्या, कि जैसे ये जो चीज है ना, आप ऐसे चलो, आप ये मत सोचो कि वाई का अगर कॉफिशियंट है वो हमेशा आपने बी स्क्वायर नीचे में पुट कर लिया, नहीं, जो चीज बड़ी होगी बस उसी को ही ए स्क्वायर मान लो। समझ में आ गया। अब संध्या ये क्वेश्चन दोबारा देखो, मुझसे क्या पूछा गया था, द डिस्टेंसेस फ्रॉम द फोकाई ऑफ पी एक्स वन कॉमा वाई वन। इस केस में आपका कैसा पैराबोला है, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो क्या आ जाएगा, ए प्लस ई वाई वन। सो ए कितना है, 5 है, ई मैंने कैलकुलेट कर लिया, ए और बी मुझे पता है ना, सो इनटू वाई वन। समझ में आ गया बच्चे, इसका यस चाहो मैम। तो, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो सब, ठीक है मैम PS1 + PS2 10 कैसे हुआ? बच्चे। PS1 + PS2 10 इस कारण हुआ, अभी अभी बताया था कि इलिप्स को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि दो पॉइंट से जिसके डिस्टेंस का सम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब इन दोनों को जब आप क्या करोगे, ऐड करोगे, क्या करोगे, ऐड करोगे, तो आपको 2a मिल जाएगा। बोलो, यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये हमेशा 2a ही रहेगा। सो a कितना है, 5 है, तो कितना हो गया, 10 हो गया। समझ में आया, नहीं। ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन कीजिए, देख लो क्या पूछ रहा है, अच्छे से पढ़ो पहले क्वेश्चन को। ओके, आप क्वेश्चन 3 में ही इसको वो करना, आंसर करना, ठीक है बच्चे। आप लोग बहुत कम लोग आंसर देते हो, सिर्फ दो बच्चों ने आंसर दिया सेकंड क्वेश्चन का, थर्ड क्वेश्चन का सब आंसर दो अभी। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू पॉइंट्स ए एंड बी आर दिस रिस्पेक्टिवली एंड पी इज एनी पॉइंट ऑन द कॉनिक दिस। सबसे पहले तो ये देख लो, ये कॉनिक है कौन सा। कॉनिक इज योर 9x² + 16y² = 144। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, x² + y² क्या बनेगा, ये कोई बता सकता है। दिस विल बी योर 16 एंड दिस विल बी योर 9, देख लो। यस मैम। तो बच्चे ये कैसा कॉनिक है, ये है x² / a² + y² / b² = 1, राइट। बोल रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी कैसे हैं, √7, 0 है, दिस इज योर ए। एंड बी कैसा है, −√7, 0। बताओ इतनी बात समझ में आती है। एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है ए, सॉरी पी पॉइंट है, तो मुझे PA + PB फाइंड करना है। कोई बता सकता है क्या आंसर होगा। अच्छा सबसे पहले एक काम करो, फोकस फाइंड, 2A ही होगा बच्चे, वेरी गुड। सबसे पहले क्या करो, फोकस फाइंड करो इनके, फोकस बताना क्या होंगे। सबसे पहले E फाइंड करो, E क्या है, देखो राइट, यस फोकस, मैम। फोकस क्या आ जाएंगे, 7/4। ठीक है। तो यानी ए और बी क्या है, फोकस है, यस मैम। ए एंड बी आर फोकाई। अरे फोकस डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, मतलब सम ऑफ फोकस डिस्टेंस ऑफ एनी टू पॉइंट्स आर 2a, सो दैट विल बी 4, दैट इज योर 8। आंसर कर दो सबके सब पोल्स में जल्दी से। यस मैम, हमने कर दिया। सो द आंसर इज 8। बच्चे ये तो ऐसे भी दिख रहा था, अगर प्लस माइनस करके लिखा हुआ था तो उसी का ही पूछेगा, और क्या ही पूछ लेगा, राइट। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन कीजिए जल्दी से। हाँ जी अंशिका, आपने हैंड रेज किया है, क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए जल्दी से।
अच्छा अभी ना आप बताएंगे बच्चे क्या बोल रहे हैं मुकुल। मैम भैया प्रीवियस स्लाइड दिखा दो। श्योर एक सेकंड रुको। देखो डन ओके चलो ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द फोकाई ऑफ द इलिप्स एंड हैविंग सेंटर एट 0.3। अरे कितना इजी है क्वेश्चन ये तो है ना। सबसे पहले तो ये बताओ इसका फोकाई क्या क्या होगा। प्लस माइनस अंडर रूट 7.0। फोकाई क्या हो गया √7 प्लस माइनस रूट तो सेवन था जीरो प्लस माइनस 7 अंडर रूट 7.0 आएगा ठीक है यस मैम। राइट। अब बच्चे देखो एक क्या है सर्कल है बच्चे यहां पर दो सर्कल पॉसिबल हैं। कितने सर्कल पॉसिबल हैं? दो सर्कल पॉसिबल हैं। कैसे बना के देख लेते हैं। दिस इज योर √7.0 एंड दिस इज दिस थिंग 0.3 है। 0.3 कहां पर होगा? इस साइड पर होगा राइट। सो ये दिस इज योर 0.3 ठीक है। ऐसा भी हो सकता है सर्कल और सर्कल ऐसा भी हो सकता है। बताओ सबको समझ में आया? यस दो मैम सर्कल पॉसिबल है ना ठीक है। तो रेडियस एक तो मैंने R1 ले लिया दैट विल बी योर। अच्छा 0.3 का मतलब तो यहां पर होगा ना है ना। एक सेकेंड यस जीरो मैम कॉमा थ्री है दिस इज योर इलिप्स ठीक है। 0.3 है बच्चे। अगर ये 0.3 है तो ये तो दोनों से ही पास हो जाएगा। अंडर रूट 7 से भी पास होगा अंडर रूट -7 से भी पास होगा। सो कुछ भी करेंगे प्लस माइनस हो कुछ भी हो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना इस केस में। तो माइनस अंडर रूट 7 या फिर प्लस माइनस अंडर रूट 7 कुछ भी ले लो प्लस 0 -3 होल स्क्वायर। सो दिस विल बी योर अंडर रूट 7 + 9। सो द रेडियस इज योर 4। तो आंसर क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6y। फिर क्या हो जाएगा बच्चे बोलो? माइनस बोलो बोलो बच्चे क्या होता है अंडर रूट? ये इसका क्या माइनस होगा? 3 स्क्वायर माइनस हाँ माइनस ही होता है ना। स्क्वायरिंग बोथ द साइड 16 - 9 इज इक्वल्स टू योर -c राइट। सो 7 इज इक्वल्स टू योर -c। सो c आ गया -7 के इक्वल। देख लो ऐसे ही होगा ना बोलो। सो द आंसर इज योर a। बच्चे इसका अगर रेडियस फाइंड करोगे तो ये 4 ही आएगा पक्की बात है। इसका अगर रेडियस फाइंड करोगे तो ये तो वर्चुअल आ जाएगा। नहीं सॉरी 9 - 7 दैट विल बी योर अंडर रूट 2। रेडियस कितना आएगा? अंडर रूट 2 आएगा। समझ में आया? यस मैम ठीक है। यस और इसका रेडियस कितना आएगा? 9 + 5 अंडर रूट 14 आएगा। एंड इसका रेडियस कितना आएगा? 9 - 5 दैट विल बी योर 2 ठीक है। सो ए इज योर आंसर। किस किस का आंसर आ गया था? इजी था ना। ओके फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ इलिप्स एंड इट्स पैरामीटर। चलो सबसे पहले तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं करेंगे कैसे ये देखो जल्दी से। फाइंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स विद फोकाई +-2.0 एंड इसेंट्रिसिटी 1/2। आपको इलिप्स फाइंड करने के लिए क्या चाहिए होता है बताइए बच्चे? सिर्फ दो लोग आंसर कर रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हो? क्वेश्चन नंबर 5 है मैंने पोल्स में लॉन्च किया है। बच्चे पहले तो आप मुझे ये बताओ इसकी सेम ये कौन से वाला है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाला या कौन सा है? मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस बताओ क्या होगी? मैम मेजर एक्सिस एस क्यों? एक्सिस क्योंकि होगी। फोकस वहां पर लाई कर रहा है राइट। तो ये यस कैसा मैम है? ये है आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 टाइप का है। अगर ये ऐसा है अगर ये ऐसा है तो ये वाला ऑप्शन सॉरी एक सेकेंड किस केस में थोड़ा सा कम आएगा? 12
दिस विल बी योर 16। सो ये वाला ऑप्शन चला गया, ठीक है। हाँ ये वाला ऑप्शन तो आपका चला ही जाएगा, एंड आपका ये वाला ऑप्शन भी चला जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों केसेस में मेजर एक्सिस कौन सी बन रही है आपकी? वाई बन रही है, ठीक है। सो इन दोनों में से एक आंसर है। अब देखो बच्चे, एलिप्स का फोकाई है प्लस माइनस 2.0, इसेंट्रिसिटी इज योर 1/2, यानी प्लस माइनस 8.0 आपका इक्वल है किसके? प्लस माइनस 2.0 के, है ना। तो ए इंटू 1/2 आ गया आपका 2 के इक्वल। तो ए कितना आ गया बच्चे? ए आ गया 4, ठीक है। अगर ए 4 है तो ये कैसा होना चाहिए? एक्स स्क्वायर अपॉन 16, राइट। फिर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कुछ आएगा 1। अब बच्चे वाई कैसे फाइंड कर सकते हैं? ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस b² / a² ई कितना है? 1/4। ई स्क्वायर कितना है? 1/4। 1/4 इज इक्वल्स टू माइनस, देख लो। सो यहां से आपका बी स्क्वायर आ जाएगा। बताओ कोई बात है तो, क्लियर है जी? बी स्क्वायर यस कितना मैम, आएगा जल्दी से बताना। 3/4 × 16, सो दिस विल बी योर 3 × 4। सो बी स्क्वायर आ गया आपका 12 के इक्वल, राइट। सो ये इक्वेशन आनी चाहिए। अगर ये इक्वेशन है तो बताना कौन सा होगा। दिस इज द आंसर, ए इज द आंसर, देख लो सबके सब, राइट। क्लियर है जी? यस मैम। ओके बच्चे, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब ये वाला क्वेश्चन करो। द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स विथ इट्स सेंटर एट द ओरिजिन इज हाफ, ई इज योर हाफ। डायरेक्ट्रिक्स क्या है? 4 है, एक्स इज इक्वल्स टू 4 है। तो यानी कैसा इलिप्स होगा? कोई बता सकता है कैसा इलिप्स होगा? मैम एक्स एक्सिस का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 टाइप का। देन द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इज, अरे एक्स इज इक्वल्स टू ए बाय ई आपका कितना है? 4 है। यही होती है ना डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। तो यानी ई कितना आ गया, सॉरी ए कितना आ गया यहां से? ए इज योर 2, देख लो सबके सब, यस मैम। ठीक है। तो यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इतना तो आ ही गया। अब क्या ई कितना होता है? ई स्क्वायर कितना होता है? ई स्क्वायर इज योर 1 माइनस b² / a² सो यानी इसका मतलब 1/4 इज इक्वल्स टू 1 माइनस b² / 4, राइट। बोलो यानी यस मैम। 3/4 b² कितना आ जाएगा बच्चे? 3 आ जाएगा। बी स्क्वायर कितना आ जाएगा? 3। सो वाई स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल्स टू 1। सो कौन सा हो गया? 3x² + 4y² इज इक्वल्स टू 12। देख लो सबके सब, इजी है बच्चे, आंसर कीजिए उसमें। चलिए देखो, फाइंड द इक्वेशन टू द इलिप्स हुज सेंटर इज ओरिजिन, एक्सेस आर द एक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड पासेस थ्रू द पॉइंट्स 2.2 and 3.1। तो बच्चे इस केस में मैंने मान लिया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 टाइप का है। कोई बता सकता है क्यों माना ऐसा? बोलो बोलो, क्या करो, वैल्यू पुट कर दो। 4 अपॉन a² + 4 अपॉन b² = 1, एंड एक आ जाएगा आपका 9 अपॉन a² + 1 अपॉन b² = 1। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम 1 एंड 2 हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। बोलो यस मैम। जल्दी से बताओ क्या वैल्यू आ रही है। इसको ऐसे मान लो 4 × c + 4 × d इज इक्वल्स टू 1, और इसको मान लो 9 × c + 9 × d इज इक्वल्स टू 1, सॉरी 1 × d, राइट। तो बच्चे फर्स्ट एंड सेकंड इसको मान लो, दिस इज योर 1 and this is your 2। बताओ जल्दी से सी और डी की क्या वैल्यू आ गई। दो तो इक्वेशन है, बोलो। यस
फाइंड कर लेंगे क्या हम ये? बच्चे प्लीज ऐसा मत कीजिए, जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी श्रेया, आप बताइए क्या वैल्यू है। थर्टी सिक्स माइनस 3/32 किसका, ए स्क्वायर का वैल्यू? नहीं बच्चे। ओके 36 माइनस 4 दैट विल बी योर 32। 32 इज इक्वल्स टू योर 3, सो 3/32 सी आ गया, तो ए स्क्वायर आ गया आपका 32/3, सो दिस इज योर 3/32। सो बच्चे यहां से बता दो कितना हो गया, डी की वैल्यू क्या आ गई? जो भी आएगी डी की वैल्यू लिख लेना, ठीक है 32/3 ऐसे करके लिख लेना जो भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है होमवर्क में इसको कंप्लीट कर लेना। चलिए जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एन एलिप्स हैज ओबी एज सेमी माइनर एक्सिस एफ एंड एफ डैश आर इट्स फोकाई एंड द एंगल एफ बी एफ डैश इज अ राइट एंगल, फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। चलो जी हमने मान लिया कि एलिप्स कैसा है, मेजर एक्सिस कहां पर है उसकी, एक्स एक्सिस है, ठीक है दिस इज योर एलिप्स। सबको समझ में आता है? मैम, हाँ जी हम पिछले क्वेश्चन का आंसर आ गया। हाँ बोलो बोलो। बी स्क्वायर क्या है बोलो? मैम, बी स्क्वायर 5/32। 32/5 आएगा जी, ये आएगा डी 5/32, सो दिस विल बी योर 32/5, ठीक है ओके। चलो जी देखो ये है आपका बी, ये है आपका ओ, इतनी बात समझ में आती है, एंड दिस इज योर एफ एंड दिस इज योर एफ डैश, क्लियर है सबको? ठीक मैम, इसमें पता कैसे चला कि कौन सा लिप्स है? बच्चे मैंने मान लिया क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मुझे इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है। इसेंट्रिसिटी के केस में हमेशा -1/b² / a² ही होगा, अगर आप चाहो तो इसको आप वाई एक्सिस पे लेके भी करोगे तब भी सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। ओके मैम। अब बच्चे अगर ये राइट एंगल है तो यानी बी एफ होल स्क्वायर प्लस बी एफ डैश होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू योर एफ एफ डैश होल स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चे एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -ae,0 एंड एफ डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ae,0, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, b। बोलो सबको समझ में आता है? यस मैम। ठीक है तो बच्चे मुझे एक बात बताओ, बी एफ स्क्वायर कितना बन जाएगा, दिस विल बी योर ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड आपका ये कितना बन जाएगा, बी एफ स्क्वायर भी कितना बन जाएगा, सेम ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देख लो, एंड एफ डैश स्क्वायर कितना बन जाएगा, 4a² e² देख लो, इतनी बार समझ में आ रही है। सो यहां से मुझे मिल गया 2a² e² प्लस 2b² इज इक्वल्स टू योर 4a² e², ठीक है। तो यानी इसका मतलब 2b² इज इक्वल्स टू योर 2a² e², सो यहां से हमें मिल गया जी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू योर बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है। पर हमें पता है ई स्क्वायर किस चीज के इक्वल होता है, 1 - b² बाय ए स्क्वायर के। अरे ये क्या हो गया, देखना कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी कैलकुलेशन। बी एफ कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी एफ डैश कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 2ae² हाँ जी ठीक है। यहां तक देखो समझ में आ रहा है सबको, बोलो यस मैम। ई स्क्वायर कितना आ गया, बी स्क्वायर के इक्वल आ गया, और ये किस चीज के इक्वल होना चाहिए, -b² / a² के इक्वल होना चाहिए ना, बोलो टेक्निकली तो इसी चीज के इक्वल होना चाहिए। तो यहां से क्या आपको दिख रहा है कि b² / a² की वैल्यू आ जाएगी, दिस मीन्स दैट b² / a² इज इक्वल्स टू हाफ, तो इसेंट्रिसिटी भी कितनी आ गई, हाफ, ए इज द आंसर, देख लो समझ में आ गया जी।
इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? रोटू क्यों नहीं आया? हाँ, मैं यही सोच रही थी कि अभी कोई पूछेगा ये। चलो समझाती हूँ बच्चे। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हमें मिला है ई स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बट ई स्क्वायर किस चीज के इक्वल होता है? वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के। ये दोनों इक्वल होने चाहिए। सो इसका मतलब टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कितना आ गया? वन आ गया। सो यहां से बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना आ गया? वन बाय टू आ गया। ठीक है, किसी में भी देख लो इसेंट्रिसिटी। अच्छा, इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर वन बाय टू है, तो आंसर होगा ई बाय वन बाय रूट टू। ओके सॉरी, सो दिस इज योर आंसर, बी इज योर आंसर। ठीक है जी, ओके मैम, क्लियर है? अच्छा, वो थोड़ा कैलकुलेशन वाला लास्ट स्टेप वाला रह गया था। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करो। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ एन एलिप्स सिक्स and the distance between its directrix is 12. If the distance between the foci of an ellipse 6 and then the length of LR is this. बच्चे ये बोल रहा है the यहाँ से ना center के बीच में distance आएगा. If the distance between the center and the foci of an ellipse, ठीक है? ठीक है? And यहाँ से किसके बीच में आएगा? Center और directrix के बीच में कितना है? 16 है. तो मुझे क्या फाइंड करनी है? एल आर फाइंड करनी है। कोई बता सकता है कैसे होगा? बोलो। ओके, नहीं तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, दिस इज योर सेंटर भी अगर छोड़ दोगे ना, तो दो फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब टू ए जो है वो आपका सिक्स है, और दो डायरेक्ट्रिक्स दैट इज योर माइनस ए बाय ई एंड ए बाय ई। सो यानी 2a by e कितना है आपका? 12 है। बताओ इतनी बात समझ में आती है सबको? Yes ma'am। ठीक है, तो बच्चे यहां से क्या मैं इतनी बात बोल सकती हूँ? e square is equals to your 1 by 2। e आ गया आपका 1 by root 2। This is the e। lr क्या होती है? lr is your 2b square by a। ठीक है, तो बच्चे यहां से हम a find कर लेंगे। What will be the a? a will be your 3 root 2। तो b कितना हो जाएगा, कोई बताएगा? What is the value of the b? अरे बोलो। देखो, e square is equals to 1 minus b square by a square. So यानी 1 by 2 is equals to 1 minus b square by 3 root 2 whole square. So that will be your 9 into 2, 18. So half into 18. तो b square कितना आ गया बच्चे? 9 आ गया। बताओ इतनी बार समझ में आ रही है? तो ये कितनी हो जाएगी? एल आर कितनी हो गई? एल आर इज योर 2 इंटू 9 बाय ए, दैट इज 3 रूट 2, दैट इज योर 3 रूट 2। सो द आंसर इज 6 रूट 6 रूट 2 बाय 2, राइट? यही आएगा ना, दैट इज योर 3 रूट 2। बताओ कोई डाउट है तो? दिस विल बी योर 3 root 2, so the answer is B। Clear है जी सबको? Easy था। बच्चे आप लोगों ने स्कूल में नहीं पढ़ा इतना, तो हम CBSE में ही पढ़ लेते हैं ये सारी चीजें, तो हम CBSE में भी पढ़ लेते हैं ना। चलो जी, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। The ellipse even as this is inscribed in a rectangle R whose sides are parallel to the coordinate axis. Another ellipse E2 passing through the point 0,4 circumscribes the rectangle R. Find the eccentricity of the ellipse 2. बच्चे देखो, ये है आपका एलिप्स, फिर क्या है? ये किसके अंदर है? ये एक रेक्टेंगल के अंदर है, ठीक है? फिर है आपका दूसरा क्या एलिप्स, जो कि क्या है? रेक्टेंगल के बाहर है, और लेकिन मतलब रेक्टेंगल क्या है? इसको पूरी तरीके से टच करता है। इतनी बार समझ में आ गई? और E2 जो है वो पास होता है आपका 0,4 से। बोलो बोलो। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0,2 एंड दिस विल बी योर 3,0। तो बच्चे मुझे E2 फाइंड करनी है, कोई बता सकता है कैसे करेंगे? बताओ कैसे करेंगे? हम इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी होगी हमें।
हाँ इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है एलिप्स टू की। बच्चे देखो अगर ये 0.4 से पास करता है तो ये तो पक्की बात है ना कि जो सेकंड एलिप्स है वो ऐसा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो बी आ गया आपका 16। मुझे अगर ए पता चल जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा बताइए, अगर मुझे ए पता चल जाए तो आंसर आ जाएगा। यस मैम। ठीक है अब देखो बच्चे इसको कैसे करेंगे, अगर मैं रेक्टेंगल की क्या निकाल लूं, साइड्स का डिस्टेंस निकाल लूं, अगर मैं बोल दूं ये जो डिस्टेंस है मतलब ये देखो ये वाली जो लेंथ है ए बी सी एंड डी, तो बच्चे आपको इतनी चीज दिखाई दे रही है, जो आपका बी सी इज इक्वल्स टू ए डी है ये है आपका 4 एंड ए बी इज इक्वल्स टू सी डी है वो है आपका 6। देख लो इतनी बात सबको समझ में आती है, क्योंकि 2a होगा ना, ए बी कितना होगा 2a ही होगा तभी इंस्क्राइब करेगा। बोलो जी मैम समझ नहीं आ रहा। बच्चे देख ये जो यस डिस्टेंस है ये है -3.0, फर्स्ट वाला इलिप्स देखो इसके वर्टिसेस क्या हो जाएंगे -3.0 एंड 3.0। बोलो मैं ना इसको यस से बना के दिखाती हूँ आपको, अंदर वाला एलिप्स देखो ये होगा आपका -3.0 एंड ये होगा आपका 3.0, ये है आपका 0.2 एंड दिस इज योर 0.-2। बताओ ठीक है, अगर यस एक मैम। रेक्टेंगल ऐसे इसको इंस्क्राइब्ड करके रखा है तो मुझे एक बात बताओ, दिस इज योर ए बी एंड दिस इज योर सी डी, ये येलो लाइन ए बी और सी डी ये तीनों पैरेलल हैं क्योंकि मुझे दिया हुआ है पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं जो भी रेक्टेंगल की साइड्स हैं। ठीक है बोलो, तो ए बी मस्ट बी इक्वल्स टू यस योर मैम। टू ए, दैट इज द डिस्टेंस दैट इज द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। बोलो बच्चे समझ में आ गया, अब यस मैम। इसको अगर यस मैम। आपको मैम +-2, सॉरी मैम +-3, +-2 करके इस साइड दूंगी। अच्छा रुक जाओ, ये क्या है 4 है और ये क्या है 6 है, इतनी बात समझ में आती है, ए बी कितनी है 6 है, डी सी भी कितनी है 6 है। अब देखो बच्चे एक और इलिप्स है जिसने इसको ऐसे इंस्क्राइब्ड कर रखा है, सॉरी सर्कमस्क्राइब कर रखा है राइट, और ये पास होता है आपका 0.4 से। बताओ इतनी बात समझ में आती है, मुझे ई टू फाइंड करना है। क्लियर है जी ये रेक्टेंगल वाला, यहां तक क्लियर है बच्चे, बोलो यस रेक्टेंगल वाला क्लियर है, अब बताओ आगे कैसे करेंगे। ज्योमेट्री तो है पूरी, आगे सोचो सोचो कैसे करेंगे। अरे बच्चे बहुत इजी है। हाँ जी तन्वी आप बताएंगे कैसे करेंगे। बच्चे अगर ये 0 से पास करता है तो बी स्क्वायर तो 16 आ गया, और देखो बच्चे ये 3.2 से भी पास करेगा, दिस इज योर कोऑर्डिनेट 3.2 एंड दिस इज योर कोऑर्डिनेट -3.2 एंड दिस इज योर कोऑर्डिनेट -3.-2 एंड दिस इज योर कोऑर्डिनेट 3.-2। देख लो यही होगा ना, इसीलिए तो हमने बनाया है इसको। किसी को प्रॉब्लम है कि इसके मैंने ये कोऑर्डिनेट्स कैसे लिख दिए। क्लियर है जी, तो ये जो बाहर वाला इलिप्स है तो ये 3.2 से भी पास कर रहा है, पॉइंट्स पुट कर दो, सो यानी एक्स स्क्वायर अपॉन सॉरी यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर बच्चे यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है ना, सो यहां से आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू योर 16, सो 9 अपॉन a² + 4 अपॉन 16 मस्ट बी इक्वल्स टू 1। तो बच्चे ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी जल्दी से बता दो, ए स्क्वायर की वैल्यू बता दो जल्दी से। 12। 12 राइट, तो बच्चे इसेंट्रिसिटी क्या आ गई, ये आ गया आपका जो इलिप्स है बाहर वाला ये आ गया x² / 12 + y² / 16 इज इक्वल्स टू 1, तो बच्चे इसेंट्रिसिटी कितनी आ जाएगी, √1 - 12/16, सो दिस विल बी योर
4/16 दैट इज 1/4, इसेंट्रिसिटी कितनी आ गई 1/2। सबको समझ में आ गया कि ये कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे, इसीलिए मैं आपको बता रही थी साइड्स का फंडा। बच्चे नॉर्मल क्या सॉरी समझ में नहीं आ रहा, पूछो क्या हाँ मैं वही बोलू ना, देखो एक तो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है जो सेकंड इलिप्स है वो 0.4 से पास हो रहा है, ठीक है, तो 0.4 उस इलिप्स की इक्वेशन में रख दो तो वहां से बी स्क्वायर आ गया आपके पास 16, ठीक है। पर ये जो इलिप्स है, जो सेकंड इलिप्स है, ये चार पॉइंट से भी तो पास करता है, 3.2 से, -3.2 से, -3, -2 से, एंड 3, -2 से, वो पॉइंट भी कोई भी पुट कर दो। मैंने मान लिया 3.2 तो वहां पर पुट किया, वहां से मेरी ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो मुझे ए स्क्वायर भी पता, मुझे बी स्क्वायर भी पता, तो मुझे अब ई पता चल जाएगा। बताओ कोई डाउट है तो? नो मैम, नो मैम, ओके चलिए चलिए ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मेक श्योर कि आप ये रिवाइज करके आएं, और जिस जिसने भी टेस्ट नहीं दिया है तो बच्चे आप टेस्ट देकर आएं।